हो चुका है और ऑप्टिमम मेडिकल थेरेपी देने के बावजूद पेशेंट को सिम्टम्स नहीं जाता है। और अगर हम इसमें अगर आगे जाके कोई इलाज नहीं करेंगे तो इस तरह का मरीज में जो होता है कि एवरेज सर्वाइवल जो हम देखते हैं 2 से 3 साल से ज़्यादा नहीं रहता है। माने अगर कोई एडवांस रेस्पिरेटरी डिजीज़ में पहुंचा, जैसे चाहे वो दमा हो, आपका लंग फाइब्रोसिस वाली बीमारी है ना। अभी आपने कोरोना में तो आपने बहुत सारा, मुझे लगता है कोरोना के बाद तो बहुत सारे लोगों को लंग ट्रांसप्लांटेशन के बारे में अवगत भी हुआ है कि पेशेंट वेंटिलेटर में महीना हो गया, ठीक नहीं हो रहा है, अब कोई विकल्प नहीं बचा तो एक शायद एक ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। बहुत सारे रायपुर से पेशेंट्स, कुछ कुछ पेशेंट्स एक्चुअली एयरलिफ्ट होके गए भी थे ट्रांसप्लांट के लिए। तो कोई भी पुरानी बीमारियां लंग से होते हैं, दमा, लंग फाइब्रोसिस किसी भी प्रकार से होते हैं, वो समय के साथ कालांतर में कोई 10-15 साल लगता है कोई बीमारी में एडवांस स्टेज में पहुंचने में, कोई 4-5 साल में पहुंच जाता है, कोई 2-3 साल में पहुंच जाते हैं। ज़्यादातर हमारे दवाइयों का मकसद ये रहता है कि हम जितना हो सकते हैं वो एडवांस स्टेज में को और दूरी और डिले करते जाएँ, पर एक वक्त आता रहता है कि आप पूरा दवाई इलाज करने के बावजूद भी पेशेंट रिकवरी नहीं होता है और वो एक एडवांस स्टेज में पहुँच जाते हैं। तब जाके ऐसी स्थिति में चुनिंदा लोगों को, माने सबके लिए नहीं है, चुनिंदा लोगों के लिए हम एक विकल्प होता है, वो है ट्रांसप्लांट, लंग ट्रांसप्लांट। अब किडनी ट्रांसप्लांट के बारे में तो आपको पहले से अवगत है, लीवर ट्रांसप्लांट के बारे में अवगत है, हार्ट ट्रांसप्लांट के बारे में अवगत है। तो ऐसे चुनिंदा जो एडवांस स्टेज होते हैं उनमें हम लंग ट्रांसप्लांट प्रविधि से पुराना जो खराब फेफड़ा लंग्स को हटा के नया कैडावरिक लंग को ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो उससे क्या है कि उनको एक नया लाइफ मिल जाता है। तो ये खुशी की बात है कि हम जिस ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं उनका जो मेन सेंटर जो बैंगलोर में है वहाँ पर ये पद्धति उपचार की विधि अवेलेबल है। इंडिया में चुनिंदा शहरों में ही लंग ट्रांसप्लांट होता है, उसमें से एक सेंटर बैंगलोर शहर है जहाँ NH नारायणा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। तो वहाँ पर हमारे अग्रज, हमारे कलीग डॉक्टर बासा खान जो ट्रांसप्लांट पल्मोनोलॉजिस्ट थे, उनके मातहत उनके उसमें करके हम ये ट्रांसप्लांट प्रविधि को आगे रायपुर तक लाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ जो मरीज है जिसको एडवांस स्टेज ऑफ लंग डिजीज है उनको हम यहाँ स्क्रीनिंग करें, हम असेसमेंट करें और वहाँ इनको हम बैंगलोर में ट्रांसप्लांट के लिए हम यहाँ से फैसिलिटेट करें। तो बेसिकली हमारे मकसद ये है कि ये सेंटर लंग ट्रांसप्लांट क्लिनिक को शुरू करने का मकसद यही है कि हम आगे जाके इन उन चुनिंदा मरीजों जिसको ट्रांसप्लांट की आवश्यकता है उनको हम टाइमली एंड ट्रांसप्लांट कर पाएँ। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है एट एन एफोर्डेबल प्राइस, क्योंकि आपको पता है ट्रांसप्लांट सुनते ही बहुत सारे लोगों को लगता है बहुत महंगा है, बहुत खर्चालू है। तो बेसिकली बैंगलोर से हमारा ये टाइम है कि हम ट्रांसप्लांट को ये जो एकदम कॉम्प्लेक्स विधि है एक एफोर्डेबल प्राइस में हम यहाँ छत्तीसगढ़ में ला पाएँ। थैंक यू। सो दैट वी कैन क्रिएट मोर अवेयरनेस। हम लोग जानते हैं कि हमारी कंट्री में रेस्पिरेटरी डिजीज़ेस बहुत ज़्यादा परसेंटेज में पाई जाती है। बहुत सारे लोगों को TB की वजह से, ब्रोंकाइटिस की वजह से, लंग्स फाइब्रोसिस की वजह से और रिसेंटली कोविड की वजह से लंग्स फेल होने लगता है। और जब मेडिकल मैनेजमेंट से कोई भी बेनिफिट नहीं होता है तो उनको लास्ट ऑप्शन बचता है ट्रांसप्लांट। और वी आर लकी टू हैव वर्किंग अंडर द अम्ब्रेला ऑफ नारायणा, सो वी हैव ए कंप्लीट टीम। डॉक्टर दीपेश इज़ प्रोवाइडिंग एक्सीलेंट स्किल्ड, ही इज़ बहुत ही सक्षम डॉक्टर है एंड ही विल ट्राई हिज बेस्ट टू ऑप्टिमाइज द कंडीशन ऑफ द पेशेंट। बट कई बार ऐसा होता है कि उसके बाद भी पेशेंट की कंडीशन वर्सन होती रहती है। दे गो ऑन ऑक्सीजन, दे आर डिपेंडेंट एट होम, वो लोग बाहर नहीं आ पाते, बाहर के एक दूसरे से मिलजुल नहीं सकते। सो उन पेशेंट्स के लिए ट्रांसप्लांट इज़ ए वायबल ट्रीटमेंट ऑप्शन। और जैसा इन्होंने बोला कि नारायणा डॉक्टर देवी शेट्टी सर का मिशन है कि ए सॉल्यूशन इज़ नॉट ए सॉल्यूशन अंटिल एंड अनलेस इट इज़ अफोर्डेबल। सो वी वॉन्ट टू प्रोवाइड द बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर एज एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट टू ईच एंड एवरी पर्सन ऑफ द कंट्री। और उसी मिशन के साथ हम लोग इसलिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। और ये मिशन सिर्फ
लंग्स के लिए नहीं है, सूनर विद इन, मैं आप 100% तो नहीं बट मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूँ कि हार्ट ट्रांसप्लांट टीम भी यहाँ पे विजिट करेगी और हम लोग हार्ट और लंग ट्रांसप्लांट के पेशेंट्स को इवैल्यूएट करेंगे और उनको अगर ज़रूरत है तो उनको ट्रांसप्लांट के लिए उनको काउंसिल करेंगे, उनको ट्रांसप्लांट के बारे में बताएंगे और अगर ज़रूरत है दे कैन कम एंड विजिट नारायणा। या एक हमारे साथ बहुत बड़ी एडवांटेज नारायणा टीम के साथ ये है जो विच वी सी कई लोग दूसरे शहरों में जाते हैं ट्रांसप्लांट कराते हैं, बट ट्रांसप्लांट मैं कहता हूँ जैसे क्रिकेट मैच इज T20 एंड टेस्ट मैच, सो ट्रांसप्लांट इज़ नॉट ए T20 और वन डे, इट्स ए टेस्ट मैच, इट्स जस्ट नॉट ए सर्जरी। उसके बाद आपको कंटिन्यूस पेशेंट को केयर प्रोवाइड करनी होती, तो व्हेन दे गो टू सम अदर हॉस्पिटल्स लाइक हैदराबाद और चेन्नई फिर वो यहाँ पर आते हैं, दे आर मिसिंग दैट लिंक। बट नारायणा एज ए टीम वो वहाँ पर आएंगे, अपना ट्रांसप्लांट कराएंगे एंड देन दे विल कीप फॉलो अप विद अंडर विजन एंड केयर ऑफ डॉक्टर दीपेश, सो दे आर नॉट गोइंग टू बी लॉस्ट अप, सो दैट क्योंकि हमारा एम है कि दे शुड हैव ए गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर अनदर 10-15 ईयर्स। और ये एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर है, इट्स जस्ट नॉट द ऑपरेशन, पोस्ट ऑपरेटिव केयर, लॉन्ग टर्म केयर। तो यही सब मिशन के साथ वी आर प्रमोटिंग ट्रांसप्लांट, वी हैव वेल कॉम्पिटेंट एक्सपीरियंस टीम हु गॉट ट्रेंड आउटसाइड एंड इवन डॉक्टर दीपेश इज फ्रॉम एम्स, सो आई हैव नो डाउट वी कैन प्रोवाइड एक्सेलेंट केयर टू आवर पेशेंट पॉपुलेशन। इसमें कोई सवाल अगर ना हो जी, मेरा सवाल है कि अब तक हार्ट और लिवर का ट्रांसप्लांट हमने सुना था, लेकिन जो लंग का ट्रांसप्लांट है उन दोनों की अपेक्षा भी कितना क्रिटिकल रहता है? हाँ, आपका सवाल बहुत ही वैलिड पॉइंट है, तो मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ क्या डिफरेंस है किडनी ट्रांसप्लांट, हार्ट ट्रांसप्लांट और लंग ट्रांसप्लांट। पहली बात, अभी भी हमारी कंट्री में लंग ट्रांसप्लांट ट्रेनिंग प्रोग्राम नहीं है, जो भी सर्जन मेडिकल इम्यूनोलॉजिस्ट हम लोग बाहर ट्रेनिंग करके आए हैं, मैं 10 साल बाहर था। अब आपका क्वेश्चन है कि उसमें क्या डिफरेंस है, आपको ने देखा होगा कि पेशेंट किडनी ट्रांसप्लांट के अगर उनको ट्रांसप्लांट नहीं मिलता है वो हॉस्पिटल में 3 बार हफ्ते में डायलिसिस कराने आते हैं और आके चले जाते हैं, पर जो लंग ट्रांसप्लांट का पेशेंट है वो 10-12 लीटर ऑक्सीजन पर होता है, उसने महीने साल घर में बिता दिए होते हैं। तो आप उस आदमी से पूछिए, भले ही लंग ट्रांसप्लांट के रिजल्ट जो है एज़ कम्पेयर टू किडनी, किडनी जो है 10-12 साल में फेल होने लगती है, लंग ट्रांसप्लांट एवरेज सर्वाइवल मीडियन जो है 6 ईयर्स है वाइल किडनी इट इज़ 10 ईयर्स। बट आप उस आदमी से जाके पूछिए जो पिछले 2 साल से घर से बाहर भी नहीं निकल पाया, तो उनके लिए वो 6 साल भी बहुत मायने रखते हैं, इट डिपेंड्स, सो दैट द चैलेंज। और हमको ये भी पता है कि चीज़ें इवॉल्व हो रही हैं, 2000 से पहले जो सर्जरी और ट्रांसप्लांट के रिजल्ट थे और आज 2020 में इट इज़ इम्प्रूविंग एवरी ईयर, क्योंकि नई मेडिसिन आ रहे हैं, अवेयरनेस आ रहा है। ट्रांसप्लांट के साथ लंग में एक और प्रॉब्लम आती है कि पेशेंट को एकदम लास्ट मिनट पर रेफर किया जाता है, जैसे किडनी 1980 से हो रहा है, जब हम लोग MBBS में थे तब भी किडनी ट्रांसप्लांट होता था, और आज 2020 में जब मैं इंडिया से बाहर गया, 2007 मैं इसी एम से गया था कि वाई नॉट वी हैव ए लंग ट्रांसप्लांट इन आवर कंट्री। आज 2020 हो गया है, हैदराबाद चेन्नई में ट्रांसप्लांट हो रहा है, लेकिन अवेयरनेस अभी भी उतनी नहीं है, क्योंकि डेफिनेटली एक तो मैसेज सही नहीं जाता, दूसरा विच इज़ इम्पॉर्टेंट फैक्टर इज़ द कॉस्ट फैक्टर। सो एज ए नारायणा वी आर ट्राइंग टू एड्रेस इट, वी आर एक्सेप्टिंग गवर्नमेंट स्कीम पेशेंट ऑल्सो सो दैट वी कैन हैव प्रोवाइड देम बेस्ट क्वालिटी ऑफ केयर। थैंक यू।